देखो, ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड बौद्धिक, सो कॉल्ड ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बहुत ऐसे समझते हैं, जब तो राष्ट्र का मुद्दा होता भी इन्होंने नहीं बोलना। आर्मी की कोई शान की बात हो, फौजी भाइयों की, इन्होंने नहीं बोलना। जब ऐसी नफरत की बात हो तो ये इनटॉलरेंस ले आते हैं। ये वही गिने चुने लोग हैं जो चाहते नहीं हैं कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत गुलदस्ता है, हर मज़हब इसमें मोहब्बत से रह रहा है, खामखा ये इशू को हवा देते हैं। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से बॉलीवुड के सितारे आए हैं, चूंकि आपका भी रिश्ता रहा है, वैसे लोग कंडेम कर रहे हैं, जरूरी है ऐसे लोगों का जवाब देना? बहुत ज़रूरी है। आर्टिस्ट नहीं देंगे तो कौन देगा? आर्टिस्ट सब धर्मों के, सब पार्टियों, सबके सांझे होते हैं। तो हम तो चाहते हैं यहाँ अमन पीस रहे, मज़हब मज़हब का दुश्मन ना बने, भाई भाई का दुश्मन ना बने, इवन मुल्क मुल्क का दुश्मन ना बने। हमारे नरेंद्र भाई मोदी साहब ने इसीलिए तो बोला है, माननीय प्रधानमंत्री साहब ने, कि सबका साथ सबका विकास था पहले, अब सबका विश्वास जीतना है। ये खाम खा इशू उठा देते हैं, इनटॉलरेंस हो गया या कुछ, जब हिंदू मुस्लिम का, सिख का कोई ऐसा इशू होगा तो उसको हवा देंगे। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपस में लोग बहुत मोहब्बत से रहना देते हैं। और मैं आपके इस मीडिया के ज़रिए भी बेनती करूंगा, भैया हिंदुस्तान की धरती पे, इसके कल्चर पे नाज है लोगों को, इसका लोगों को इकट्ठे रहने दो, मोहब्बत से रहने दो, शांति से रहने दो, फॉर गॉड सेक।